जय हिंद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फुटबॉल लिली के बारे में। ये देखिए, ये काफ़ी हेल्दी फुटबॉल लिली के बल्ब है। आज हम इनको ग्रो करना सीखेंगे। दोस्तों, आपका बल्ब जितना हेल्दी होगा उसका फ्लावर उतना ही अच्छा और उतनी जल्दी आएगा। ये मेरे पास दो बल्ब हैं, एक का साइज थोड़ा बड़ा है और एक का साइज छोटा है। तो दोस्तों, सबसे पहले फुटबॉल लिली को लगाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिसके लिए जो आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस वो जो मिट्टी है ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप पानी दें तो पानी उसमें रुके नहीं है। क्योंकि जितने बार भी जो आप बल्ब वगैरह ग्रो करते हो उनकी मिट्टी को अगर आप थोड़ा टाइट बना दोगे जिसमें से पानी नहीं निकल पाएगा तो बल्ब वगैरह खराब होने का सड़ने का ज़्यादा धोखा रहता है। दोस्तों, मैंने ये पहले से ही सॉइल मिक्सचर बना रखा है। मैंने इसमें 25 बजरी मिलाई हुई है और 50% गार्डन सॉइल और 50% मैंने इसमें कंपोस्ट खाद मिलाया है। दोस्तों, इसको लगाने से पहले जो इनके ऊपर कवर होता है उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें कहीं फंगस या ये कुछ दब तो नहीं रहा या सड़ तो नहीं गया है, इसको आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद पोटिंग मिक्स तैयार कर लें। पोटिंग मिक्स तैयार करने के बाद फिर नंबर आता है जो आपका पॉट है उसके ड्रेनेज होल को बंद करने का। आप ड्रेनेज होल को बंद कर दें ताकि अगर आप इसमें पानी देते हैं तो पानी मिट्टी को साथ ना लेकर के बाहर जाए। दोस्तों, ड्रेनेज होल को बंद करने के बाद आप इसमें सॉइल मिक्सचर भर सकते हैं। दोस्तों, आपको पॉट में जो मिट्टी भरनी है भरते रहें और थोड़ा थोड़ा दाबते रहें। दाबने के बाद और मिट्टी भरने के बाद आप एक चीज देख लें कि मिट्टी ज्यादा नीचे ना हो और ना ही ज्यादा आपको ओवर बनना हो। कम से कम एक उंगली का गैप हो आपके इसमें। फील करने के बाद आपको ये जो फुटबॉल लिली का बल्ब है इसको ऐसे करके रख देना है, जो इसका टिप एरिया है वो ऊपर और इसका जो रूट एरिया है वो नीचे। दोस्तों, इसको जो आप रख देंगे इससे बहुत ही सुंदर फूल आता है। दोस्तों, इसका नाम फुटबॉल लिली इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस पर जो फ्लावर आता है वो एकदम फुटबॉल की तरह आता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। रेड और थोड़ा सा पिंक कलर, ये दो कलर इसमें पाए जाते हैं। मेरे पास तो ये खाली रेड कलर है। दोस्तों, इस बल्ब को लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल और रखें, ये पॉट के आपको बीचों बीच में बल्ब को लगाना है, ना कि एक साइड। तो ये आपका देखो बल्ब लग के तैयार है। अब इसमें हम पानी देंगे। पानी देने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि पानी बल्ब के ऊपर ना दें, पानी साइड से दें और एक बार में फुल पानी दें। उसके बाद जब तक कम से कम 1 या 1.5 इंची मिट्टी हमारी ड्राई ना हो जाए तब तक आपको पानी नहीं देना है। देखो दोस्तों, इसमें पानी बड़े आराम आराम से धीरे धीरे ताकि बल्ब के ऊपर ना जाए ऐसे करके आपको देते देना। थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर बाद में दे दें, फिर थोड़ा सा बाद में दे दें, ऐसे करके आप इसको पानी देते रहें। ये शक करता रहेगा आपको पानी देते जाना जब तक आपका पानी बाहर नीचे के होल से ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।